देख लो रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया मैंने। तो अपन ने कल देखे थे कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन देखने में क्या मतलब ध्यान रखना कि भाई क्या हो रहा है कि जब वेन हल्की हैलाइड, ऐसा हल्की हैलाइड जिसमें क्या रहेगा बीटा हाइड्रोजन एटम रहेगा, जब हमारे पास इथिल ब्रोमाइड है, रिपीट करा थोड़ा सा, हमारे पास इथिल ब्रोमाइड है और ये हमारा अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, और ये बीटा कार्बन का कितना हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है। तो कोई भी ऐसा हल्के हैलाइड हो उसके पास कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। उसकी रिएक्शन जब पैक साथ करेंगे तो केवाइच के साथ करेंगे, केवाइच कौन था, अल्कोहलिक केवाइच के साथ जब करेंगे तो रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा कि अल्फा कार्बन पर से हाइड्रोजन जाएगा और बीटा कार्बन पर से हाइड्रोजन जाएगा। अगर ये रिएक्शन को मैं सोचेंगे तो ये ऐसी रिएक्शन होगी CH2 CH2 Br, और ये क्या होगा हमारे पास एच, यहाँ से क्या निकल जाएगा एच बी आर निकल जाएगा। यानी एक अल्फा कार्बन पर से हेलोजन, अल्फा कार्बन पर से क्या निकलेगा हेलोजन, और बीटा कार्बन पर से क्या निकलेगा हाइड्रोजन, और ऐसा उनके क्या निकलेगा एच और एक्स, ये क्या होगा ये हमारा डी, इसका डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा और ये एच एस निकल जाएगा, और रिजल्ट में हमारे क्या मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, रिजल्ट में हमारे को क्या मिलेगा, रिजल्ट का कंपाउंड क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्किन मिलेगा। और ये रिएक्शन कुछ क्या बोलेंगे अपन, ये रिएक्शन कुछ क्या बोलेंगे अपन, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे या डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलेंगे या अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे या 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इतना हमारा हो चुका था, चलो भाई क्लियर है सबका? अरे बोला हमें नहीं, अब उसके बाद अपने को देखने का है, उसके बाद अपने को देखने का है कि दो बीटा हाइड्रोजन अगर आते हैं, दो बीटा अगर हाइड्रोजन आते हैं तो दो बीटा हाइड्रोजन से हमारे को दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। पर देखो कि हम क्या ले रहे, 2 ब्रोमो ब्यूटेन ले रहे, 2 ब्रोमो ब्यूटेन का हम क्या करेंगे रिएक्शन एक्सेप्ट करेंगे अल्कोहलिक केवाइच के साथ करेंगे तो हमारे को प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, क्योंकि हमको क्या करने का है डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करने का है। इसका मतलब हमारे क्या करने का है बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से हेलोजन, ये दोनों निकालने के। साथ ही साथ उसके बाद और गौर करो, हमारी खुद की गौर करने वाली बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ तुम्हारे को कि जो कार्बन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा वो कार्बन हमारा अल्फा कार्बन कहलाएगा, उसके बाद जो हमारा कौन सा कहलाएगा बीटा कार्बन कहलाएगा, और ये अल्फा बीटा गैमा कार्बन पर जो हाइड्रोजन रहेंगे वो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन है और गैमा कार्बन रेस्पेक्टिवली कहलाएंगे। तो ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन ले रहे हो, 1 2 3 4 ब्यूटेन बोले तो 4 कार्बन होते हैं, 2 का मतलब दूसरा कार्बन होता है, ब्रोमो का मतलब बीआर होता है, दूसरे कार्बन पर क्या हमारे पास बीआर अटैच है और ये हमारा CH3 है और ये हमारा CH2, इसके वैलेंस अगर फुलफिल करेंगे तो हमारे को मिलेगा ऐसा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमारे पास 2 ब्रोमो ब्यूटेन का है, और 2 ब्रोमो ब्यूटेन के होने के वजह से इसका एक कॉमन नाम है सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। जब इसकी रिएक्शन हम एक्सेप्ट करेंगे KOH के साथ करेंगे, ऐसा ऐसा KOH नहीं बोलता KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो पता चलेगा हमारे को कि जो कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ था वो अल्फा कार्बन, उसके बाजू का बीटा कार्बन, उसके बाजू का बीटा कार्बन, तुम चाहे तो इसको बीटा 1 बोल सकते हैं, इसको बीटा 2 बोल सकते हैं, ऐसे हमारे पास 2 कार्बन होंगे। अब दो रिएक्शन देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, दो रिएक्शन देख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, पता चला हमारे को कि बीटा कार्बन पर से हाइड्रोजन निकलता क्या होगा बेटा, इसे कुछ बोला क्या? हाँ ठीक है, मेरे तुम्हारी आवाज आ रही है मेरे को, थोड़ा थोड़ा रुपा आती, और ये जब अगर रिकॉर्ड भी हो गया तो बाद में बराबर आवाज आती, जहां आवाज ब्रेक होगी वहां पर रिकॉर्डिंग में देख लेना, थोड़ा तो सुन लो। लेकिन ये एलिमिनेशन रिएक्शन है हमारी, बीटा कार्बन पर से हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पर से हाइड्रोजन जाएगा, तो जब हम क्या करेंगे इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या फॉर्म होते हैं याद रखना, अल्किन फॉर्म होते हैं, क्या फॉर्म होते हैं अल्किन, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर बीटा वन, ये बीटा वन है बीटा टू, हम क्या करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अगर हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से अगर हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बी आर है, यहाँ से अगर हम बी आर को निकालेंगे, यहाँ से अगर एच को निकालेंगे, तो ये दोनों कार्बन के बीच क्या बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा, दोनों क्या बनेगा
CH3, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। यहाँ का अपन क्या करें, यहाँ से इलिमिनेशन करें। अगर हम यहाँ से इलिमिनेशन करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, यहाँ कितने हैं, यहाँ से 2 बचेंगे, रह का Br जाएगा, हम क्या बनेगा, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो HBr निकल रहा, ये HBr क्या करेगा, KOH के साथ रिएक्शन करेगा, एक बनेगा KBr और एक बनेगा H2O, हमेशा एक KBr और प्लस कर निकलेगा, H2O निकलेगा, इधर भी KBr प्लस कर निकलेगा, H2O निकलेगा। थोड़ा गौर से देखना, अब हमको दो प्रोडक्ट मिल गए, कितने प्रोडक्ट मिल गए, दो दो प्रोडक्ट कौन कौन से, कुछ ध्यान रखना, पर ये एक दो तीन चार कार्बन है तो बोलेंगे सर ये ब्यूट है, चार कार्बन है तो ब्यूट बोलेंगे अपन, यहाँ पे एक दो तीन चार चार कार्बन मिले क्या होंगे, ये भी ब्यूट बोलेंगे। अगर इधर से जाए तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन से शुरू हो रहा, इधर जाए तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन से शुरू हो रहा, जिधर से नजदीक पड़ता है हमारे को उधर से हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड पोजिशन को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। इधर से भी सेकंड नंबर आ रहा, इधर से तो सेकंड नंबर आ रहा, क्या मिलेगा हमारे को, ब्यूट टू ये मिलेगा, और यहाँ पर ब्यूट वन ये मिलेगा। वन क्यों लिखा गया, यहाँ से पहले कार्बन से डबल बॉन्ड है, टू क्यों लिखा गया, यहाँ से दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड है। लेकिन हमारे केमिस्ट्री में जब भी हमको प्रोडक्ट मिलना चाहिए तो एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, अगर दो प्रोडक्ट मिले तो समझ जाना कि एक मेजर रहेगा और एक माइनर रहेगा, एक मेजर रहेगा और एक क्या रहेगा, माइनर रहेगा। इसलिए आप कौन सा मेजर और कौन सा माइनर, ये कौन डिसाइड करेगा हमारे को, हमारे एक साइंटिस्ट था रशियन साइंटिस्ट, उसने ये रूल बताया था जिसका नाम क्या है, सेंजेव्स रूल। कौन सा रूल है उसका, सेंजेव्स रूल। तो आज हम सेंजेव्स रूल के हिसाब से मालूम करेंगे, सेंजेव्स रूल की एंट्री कब होगी, ध्यान रखो सेंजेव्स रूल की एंट्री तभी होगी जब हेलो अल्किल हैलाइड में दो बीटा कार्बन आएंगे और दोनों बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन अलग अलग लाएंगे। तो यहाँ का निकल, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ये बीटा वन है और ये बीटा टू है, बीटा वन के पास 3 हाइड्रोजन है, बीटा टू के पास 2 हाइड्रोजन है। जब दो बीटा कार्बन आएंगे और दोनों बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन अलग अलग आएंगे तब प्रोडक्ट हमको दो टाइप के मिलेंगे, उसमें से एक मेजर मिलेगा और उसमें से एक माइनर मिलेगा, और कौन सा मेजर मिलेगा कौन सा माइनर मिलेगा ये हमारे को कौन बताएगा, सेंजेव के हिसाब से रूल बनाएगा। तो पहले हम कौन सा रूल देखते हैं, सेंजेव रूल के पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, बाद में उसको समझते हैं, उसका एक एग्जांपल सेंजेव के एग्जांपल में होता है ये जेट, और हम प्रोटीन रिएक्शन देख रहे, ध्यान रखो हम एलिमिनेशन रिएक्शन देख रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन के तीन नाम है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, वन टू एलिमिनेशन और डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो अब आइए देखते हैं कौन सा रूल देखेंगे, सेंजेव का रूल देखेंगे, सेंजेव के रूल के हिसाब से कौन सा मेजर कौन सा माइनर मिलेगा वो देखेंगे, साथ ही साथ हम दूसरी बात ये देखेंगे कि भाई सेंजेव में कैसे डिसाइड करें कौन सा मेजर कौन सा माइनर, सेंजेव की एंट्री कब होंगी, जब अल्किल हैलाइड में दो बीटा कार्बन आएंगे और दोनों बीटा कार्बन पर अलग अलग हाइड्रोजन आएंगे, डिफरेंट हाइड्रोजन आएंगे तभी सेंजेव की एंट्री होगी। अगर एक अगर सेम हाइड्रोजन अगर आ जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके एग्जाम्पल ले रहे हैं, कौन सा गौर से टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ले रहे हैं, हमारे पास टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, और टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लेने की वजह से यहाँ पर Br ले लिया हमने, जो कार्बन को हमारा हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा कार्बन, उसको आता अल्फा के बाद बीटा, ये भी बीटा, ये भी अल्फा के बाद बीटा, और तीनों बीटा कार्बन का हाइड्रोजन बेस है सेम है, इसलिए यहाँ पर सेंजेव रूल काम नहीं करेगा, सेंजेव रूल वही काम करेगा जहाँ दो अलग अलग कार्बन रहेंगे, दो अलग अलग कार्बन रहेंगे और दोनों अलग अलग कार्बन का दो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है सबका, कोई तो बोलो, असलियत तुम्हारी आवाज नहीं आ रही आज, मेरी आवाज तुमको आ रही क्या, चलो ठीक है, ये महरोज की आवाज आ रही मेरे को, फैजान तिवारी की आवाज मेरी, हाँ तेरी आवाज आ रही मेरे को, हाँ बाद में कौन है, फैजान के बाद असलियत की आवाज नहीं आ रही, मिसबा नायमा बेटा तुमको आवाज आ रही मेरी, नायमा चलो तुमको आ रही आवाज, इब्तिसाम तुम बोलो, इब्तिसाम आज तुम जवाब दो, इब्तिसाम हाँ ठीक है, आज अब तुम जवाब देते रहो आज, असली तुम खामोश बैठना, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा मेरे पास आज, तुम्हारा तो क्या आवाज क्या मालूम, चलो ठीक है चलो चलते अपन, अब देखते हैं आज अपना कौन सा रूल देखते हैं अपन, सेंजेव रूल देखते हैं, सेंजेव रूल हमको क्या कहता है और कैसा कहता है उसके बारे में अपन जानेंगे। चल देखो पहले स्टेटमेंट लिखा देते, साथ में लिखो मेरे, और बाद में सेंजेव रूल,
सेट जेप्स रूल्स। देखो पहले इसको स्टेटमेंट लिखा दिया हम स्टेटमेंट। चल देखो स्टेटमेंट लिखते हैं पहले हम इन डी हाइड्रोहैलोजनेशन इन डी हाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन द प्रिफेयर प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन विच हैविंग लार्ज नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप लार्ज नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अक्रॉस दी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। ये स्टेटमेंट है शेट्सेप का, ये स्टेटमेंट है शेट्सेप का। चलो ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया शेट्सेप का। अरे तेरा नाम क्या है? राहिल। इसमें दो रुपए दे देना ड्रॉप खींच के। हम हाँ देखो ये हमारा स्टेटमेंट है। दूसरा नाम है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। चलो भाई क्लियर हुआ क्या? हाँ हाँ देख लो, मैं चाहे तो यहाँ पर इन एलिमिनेशन रिएक्शन भी लिख सकता था। चल रहे आ गया, बाद में करा रहे हैं। देखो क्या बोल क्या बोल आज तू इनडीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। कोई भी किताब अगर तू पढ़ेगी तो आपका लिखा आएगा इन एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो मैं क्लियर हुआ। देखो मेरी बात गौर से सुनना, इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन जब प्रीफियर प्रोडक्ट, सबसे पहले बात ध्यान रखो, जब भी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट प्रीफियर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? अल्किन मिलेगा। जब भी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होगी तो हमको क्या मिलेगा? ध्यान रखो अल्किन बनेंगे हमारे। क्या बनेंगे हमारे पास? अल्किन। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा काय का फॉर्मेशन होता है? अल्किन का होता। तो उसने बोला कि वही अल्किन को प्रीफियर प्रोडक्ट क्यों बोला? प्रीफियर बोले तो उसको ज्यादा भाव देना, क्योंकि दो प्रोडक्ट मिल रहे हमारे, दो प्रोडक्ट कैसे मेरे घर से। देखो मैंने क्या किया था, एक अल्किल हैलाइड लिया था। अभी हम आइडिया बता रहे हैं कि ऐसा अल्किल हैलाइड है जिसमें कितने हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन दो दो है, बीटा वन बीटा टू है। इसकी रिएक्शन हम एक्चुअली केओएच के साथ कर रहे हैं तो हमको प्रोडक्ट कितने अल्किन मिलेंगे? दो अल्किन प्रोडक्ट मिलेंगे। ये भी अल्किन मिलेगा एक, और दूसरा ए भी अल्किन मिलेगा, दो अल्किन मिलेंगे। एक अल्किन को ए बोलेंगे हम, एक अल्किन को बी बोलेंगे। तो उसे बोला कि वही प्रिफेयर करना, ज्यादा भाव उसको देना, वही अल्किन को भाव ज्यादा देना दोनों में से, कि जिसके पास ज्यादा नंबर में क्या रहेंगे, लार्ज नंबर ऑफ क्या रहेंगे, अल्किल ग्रुप रहेंगे अक्रॉस द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा उसके पास जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप रहेंगे वही प्रिफेयर बोलो, प्रिफेयर बोला अल्किन बोलना, और उसको जो मेजर बोलना प्रिफेयर बोले तो उसको बड़ा बोलना, उसको जो मेजर बोलना ये बोलता करो। अब देखो अब आप उनको उसे एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो भाई क्लियर है सबका? अभी स्टेटमेंट लिख डाले, अभी स्टेटमेंट नहीं समझा हुआ तो मैं बात नहीं, मैं फिर से एक बात बोलता हूँ। जब भी डीहाइड्रोहैलोजन रिएक्शन होगी तो दो दो अल्किन मिलेंगे, दोनों में से एक प्रिफेयर बताना पड़ेगा, और वही प्रिफेयर बताना पड़ेगा यानी वही मेजर बताना पड़ेगा जिसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आजू बाजू में अल्किल ग्रुप क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। चलो भाई क्लियर होगा? तो देख लो, अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं।
यहाँ एग्जाम्पल लेता है, यहाँ गौर से देख लो। अपन क्या करते हैं, सेक्सेप का एग्जाम्पल तुम्हारे को मैंने बताया हुआ है। सेक्सेप एग्जाम्पल में क्या बताया था कि ये लिया था मैंने CH2 पर CH और ये CH3 2 ब्रोमो ब्यूटेन यूनिट है। इसके रिएक्शन काय के साथ करेंगे, KOH के साथ करेंगे। कौन सा KOH? अल्कोहलिक KOH। थोड़ा गौर से देखना बेटा, दो प्रोडक्ट मिल गए थे हमारे को, कितने प्रोडक्ट मिले थे? दो। याद करो, पहला मिला था हमारे को CH3, पहला मिला था हमारे को CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 ये मिला था। दूसरा मिला था हमारे को CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस KBr और प्लस H2O। चलो बोलिए, समझा? इसका नाम मैंने बोला था ब्यूट। कैसा हुआ था तुमको मालूम है? ब्यूट 2 ENE और इसका नाम बोला था मैंने तुम्हारे को ब्यूट 1 ENE। यहाँ से ये अल्फा कार्बन, ये बीटा 1 और ये बीटा 2, ये सेट्जेट के कारण के सेट्जेट के उनके हिसाब से हमारे पास एक एग्जांपल हमने ली। चलो यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले बोलो ये एग्जांपल समझा कैसा आया, तो आंसर कैसा आया समझा? यहाँ से Br गया, यहाँ से H गया, यहाँ से Br, यहाँ से H गया, तो यहाँ से HBr निकला, तो ये दोनों बीच में डबल बॉन्ड बना। और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? CH2 बचेगा। यहाँ से Br, यहाँ से H जाएगा, तो यहाँ पर दो H है तो एक H बचेगा, और यहाँ से H बचेगा तो ये मिलेगा, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अब इसमें से कौन सा मेजर और कौन सा माइनर, ये कौन बता रहा हमारे को? सेल्फ बता रहा, जिसका हमने स्टेटमेंट, जिसका हमने बयान यहाँ पर लिखे हुए। अब वो बयान को पूरा अच्छी तरीके से समझते, यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम है क्या? नाइमा साहब, चलो देखो अब चलते हैं अपन आगे। देखो मैं थोड़ा सामने कुछ एग्जांपल लेता हूं, यहां देख लो क्या बोलना चाहता हूं तुम्हारे को, गौर से देखना। यहां तक दिख रहा है तुम्हारे को? देख लो, सबसे पहले बात देखो कि अल्किल ग्रुप किसको बोलते हैं। यहां देख लो, गौर से देख लो, आर को बोलते हैं अल्किल, बॉन्ड आर को क्या बोलते हैं? अल्किल ग्रुप। तो क्लियर है? अब अल्किल ग्रुप के एग्जांपल बोलो, मीथेन CH3 मीथेन ग्रुप, CH3 CH2 इथिल ग्रुप। तो देख लो यहां पर मैंने दो एग्जांपल ले लिया, एक ले लिया मीथेन और एक ले लिया इथिल। तो क्लियर है सबका? हाँ मैंने बोलो, बोलते कोई? देख लो, आर को अल्किल ग्रुप बोले हमने, CH3 को मिथिल बोले और CH3 CH2 को इथिल बोले। वो कितने कार्बन के है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मिथिल भी अल्किल ग्रुप है, इथिल भी अल्किल ग्रुप है। चलो ठीक है, यहाँ पर मिथिल भी अल्किल ग्रुप और इथिल भी अल्किल ग्रुप, ये दोनों चीजें अल्किल ग्रुप है। अब हम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो तुम्हारे पास पास एक एग्जांपल लिखता और एग्जांपल के हिसाब से अपन सेल्सेप का रूप पूरा पूरा समझ जाते हैं कि सेल्सेप का क्या बोलना था। देखो ठीक ठीक मैं बनाता इथिल, आता तुम लोगों को बना के इथिल बोले तो इथिल बोले तो कितने कार्बन होते? दो कार्बन होते। हरा क्या ई बोले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और यहाँ पर क्या मिलेगा हमारे को? यहाँ एच आएगा, चार चार बॉन्डिंग हम उसको पूरी कर देंगे, ABH और ABH। बोलो ये इथिन है। और दूसरा इथिन बनाता हूं मैं, चलो बोलो आया क्या सबको समझ में? हाँ देखो, अपन इथिन बनाए। अब इथिन बनाने के बाद, इथिन बनाने के बाद अब एक बात पर गौर करना, मैं तुम्हारे क्या क्या बोलना चाहता हूं थोड़ा गौर से देखना। मैं क्या करता, ये जो हाइड्रोजन है, हमको तुम्हारे मालूम है कि हम हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्किल में द कंपाउंड व्हिच आर ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन आर मोर हाइड्रोजन एटम। हमारे केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बदलते, उसकी जगह पर कोई ना कोई आता, तब जाके हमारी क्या होती रिएक्शन आगे बढ़ती।
यानी सब्स्टिट्यूशन होते रहता, कोई आते जाता, कोई आते कोई आता और कोई जाता। चलो ठीक है, यहाँ का एक्स हटाता मैं, यहाँ का एक्स हटाने के बाद रिप्लेस करने के बाद उसकी जगह पर मैं एक अल्किल ग्रुप लाता हूँ, जिसका नाम मिथिल ग्रुप है। मिथिल ग्रुप है लेकिन उसको मैं अल्किल ग्रुप बोल रहा हूँ, एक अल्किल ग्रुप ला लिया। ये भी एच हटाता, ये भी एक अल्किल ग्रुप ला लेता, यानी मैंने क्या करा, दो एच हटाया और दो अल्किल ग्रुप लाया। बोलो भाई किल सबका, हाँ देखो मैं बोल रहा स्टेटमेंट पूरा समझ में आना चाहिए। स्टेटमेंट क्या बोल रहा मैं, तो उसके बाद यहाँ का एक अल्किल ग्रुप, यहाँ का एक हाइड्रोजन हटाता मैं और यहाँ का एक अल्किल ग्रुप कौन सा लाता मैं, इथिल वाला लाता, यानी CH2CH3 वाला लाता, तो CH3 और ये CH2। थोड़ा गौर से देख लो, ये भी अल्किल ग्रुप है, ये भी अल्किल ग्रुप है और ये भी अल्किल ग्रुप है। ये है कौन, ये CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यानी ये है वो CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यानी ये ब्यूटुइन है और ये भी ब्यूटुइन है। चलो भाई क्लियर है सबका। हाँ अब देखो ये जो दिख रहा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला प्रोडक्ट है CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। चलो भाई क्लियर है सबका। अब ये दोनों दो प्रोडक्ट मिले हमारे को, ब्यूट टू इन मिला और ब्यूट वन इन मिला, दोनों में से हमको एक प्रीफेयर प्रोडक्ट बताना पड़ता, कौन सा प्रीफेयर अल्किन, कौन सा प्रीफेयर प्रोडक्ट इज दैट अल्किन, कौन सा अल्किन प्रीफेयर प्रोडक्ट होगा उसके बारे में हमको बताना पड़ता। और वो किसने बताया, शेरजट ने बताया। अब जाहिर से बात है आराम से देखो क्या दिख रहा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसको बोलते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम, ये डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम है। चलो मैं क्लियर है सबका। हाँ ये डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम के आजू बाजू में आ रहा क्या, कितने ये अक्रॉस हो रहे, तो उसके आजू बाजू में कितने अल्किल ग्रुप है, एक और एक और एक दो है, बोला हवे नहीं। और यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल डबली बॉन्डेड के बाजू में ये एच है, ये एच है, ये एच है, यहाँ पर एक ही अल्किल ग्रुप है, तो कितने कार्बन का है, कोई बड़ा है छोटा है, लेना देना नहीं, उसको हम अल्किल ग्रुप में काउंट करेंगे। पर यहाँ पर पता चला कि अक्रॉस कार्बन कार्बन डबली बॉन्डेड में यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप है, यानी दो है, यहाँ पर एक नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप है, इसलिए जो अल्किल ग्रुप जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बॉन्ड जितने ज्यादा रहेंगे उतना प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेजर मिलेगा, इसका मतलब ब्यूट टू इन मेजर मिलेगा और ब्यूट वन क्या मिलेगा, माइनर मिलेगा। और प्रीफेयर प्रोडक्ट कौन सा अल्किल रहेगा, प्रीफेयर प्रोडक्ट वो अल्किल रहेगा जिसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आजू बाजू में अल्किल ग्रुप की तादाद क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, जिसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू में नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप करेंगे ज्यादा रहेंगे, इसको बोलते हैं सेक्सर ग्रुप। आया क्या समझ में। देखो फिर dehydrohalogenation reaction, in dehydrogenation reaction the preferred product is that alkene which having the large number of alkyl group across the carbon across the doubly bonded carbon atom, doubly bonded carbon atom के बाजू में आजू बाजू में जितने ज्यादा alkyl group रहेंगे उतना ही जो preferred product alkyl होगा और जितने कम रहेंगे उतना वो कम रहेगा। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा preferred product है, यहाँ पर दो alkyl group है, ये भी ये चढ़ा दूंगा मैं तो तीन तीन लाऊंगा तो तीन alkyl group, चार अल्किल ग्रुप यहाँ लंबा तो तीन हो जाए दो हो जाएंगे, यहाँ लंबा तो तीन हो जाएंगे, दोनों में से कौन सा अल्किल मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, तो बोलेंगे सर ये वाला मेजर प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ पर अल्किल ग्रुप की तादाद कितनी है, चार है, और ये माइनर मिलेगा क्योंकि यहाँ पर अल्किल ग्रुप की तादाद कितनी है, तीन है, अभी भी हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट को बचा हुआ है। तो जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप रहेंगे, जितना ज्यादा अल्किल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू में रहेंगे उतना वो प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेट्जे ग्रुप के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। ये होगा हमारा पूरा रूल सेट्जेट रूल। और इसका स्टेटमेंट है वो कि सेट्जेट ने बोल दिया था कि डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन में अल्किन बनेगी, लेकिन जब दो दो से ज्यादा एक से ज्यादा अल्किन बनेंगे वही अल्किन ज्यादा अमाउंट में हमको मिलेगा, वही अल्किन ज्यादा ज्यादा मेजर अमाउंट में हमको मिलेगा, इससे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आजू बाजू में अल्किल ग्रुप क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। इसका मतलब स्टेटमेंट हम प्यार से बोल सकते हैं, इन डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन the preferred product is that alkene which having the large number of alkyl group across the carbon carbon double bond. चलो भाई क्लियर हुआ सबका।
हम बोलो बेटा, कोई तो बोलो। और ये उसका स्टेटमेंट, वो समझाने की बात था, और ये एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। जब भी एग्जाम में आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल सेजेब्रुल, एक्सप्लेन सेजेब्रुल विथ सुटेबल एग्जाम्पल, सुटेबल एग्जाम्पल के साथ सेजेब्रुल क्या करो, लिखो या एक्सप्लेन करो। तुमको उसका स्टेटमेंट देना पड़ेगा और एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। उसका फेवरेट एग्जाम्पल कौन सा है, ये वाला है, टू ब्यूटेन का, टू क्लोरोब्यूटेन का अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे, दो प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें एक ब्यूटेन मिलेगा, एक ब्यूटेन मिलेगा। इसके नीचे हम मेजर लिखेंगे, इसके नीचे हम माइनर लिखेंगे, और स्टेटमेंट के हिसाब से पता चल जाएगा कि कौन सा ज्यादा मिला और कौन सा कम मिला। चलो भाई ठीक है सबका, कुछ रहा तो बोलो। आज अपन इतना ही देखेंगे, कल अपन देखेंगे कुछ डेफिनेशन देखेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे, थोड़ा फिजिक्स में जाएंगे अपन। वो काम का है, 10-12 डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन एग्जाम में हमेशा, दो डेफिनेशन एग्जाम में हमेशा आती। तो कल अपन ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड देखेंगे, उसके बाद रेशमिक मिक्सचर देखेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लियो रोटेटरी देखेंगे, असिमेट्रिक कार्बन आइटम देखेंगे, कायरल कार्बन आइटम देखेंगे। ये सारे 10 के 10 डेफिनेशन कल के कल हो जाएंगे, और ये बहुत काम के है। अगर तुमने अगर कल एबसेंट रहे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता भाई उसमें, रिकॉर्डिंग मैंने रोक दिया अब। चलो बोलो, आज का किसको समझ में नहीं आया बोल सकते मेरे को। नहमा आया कि बेटा? हाँ असनिया, थोड़ा सा माइक शुरू भी करे, समझ जाता है तुम बोल रहे कुछ। ठीक है महरोश, ये तो चले गए, पाँच ही आया, जरा बच्चे आना जाना कर रहे हैं, जिसको अगर देखने का है। और फैजान, हाँ क्योंकि भाग रहे दोनों भी आज, वो कैसे भी देखो तुम, रिकॉर्डर देखो कि रिकॉर्डर देखो, लेकिन मैं ये बात, मेरी बात एक गौर से सुन लो भाई, 101%, 200% मैं ऑफलाइन में नहीं लूंगा ये, क्योंकि जब तुम्हारा ऑफलाइन में शुरू होगा शायद टाइम कितना बचता कितना नहीं। और ये बहुत बड़े बड़े यूनिट है, 12वीं के केमिस्ट्री के बड़े बड़े यूनिट आते हैं, 30-30 पेज के, 35-35 पेज के यूनिट आते हैं, रिपीट करते करने में परेशान हो जाओगे। मैं इसलिए मैं बोल रहा कि तुम एब्सेंट रहो या कुछ भी रहो या रिकॉर्डेड देखो कैसे भी देखो, पर तुम तुम्हारे हिसाब से याद करके रहो ये, बाद में को बोलना नहीं। असनिया बाद में बोलना नहीं कि सर रिपीट करो कि ये करो, हमको कुछ नहीं आ रहा। मैं पहले बोल रहा तेरे, तुम कुछ लड़के अच्छे रहते बेचारे पढ़ने वाले, उनको नुकसान होता उड़ता नहीं। उजेबा को बोल क्या प्रॉब्लम जा रहा, तो बोलना देखता उजेबा को जाके।